गुलबर्गा शहर में लोकसभा इलेक्शन के दौरान जेडीएस सीनियर लीडर जनाब शेख महबूब और उनके फर्जन शेख उवैस ने गुलबर्गा कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार की सदारत और नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की क्यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। शेख महबूब गुलबर्गा जेडीएस पार्टी में पिछले 15 साल से एक डोमिनेंट लीडर की हैसियत से अपने खिदमत अंजाम देते आ रहे थे, पर हाल ही में जेडीएस बीजेपी के साथ अलायंस होने की वजह से जेडीएस पार्टी को छोड़ फासिस्ट ताकतों को हराने की सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लिए हैं। शेख महबूब और उनके फर्जन शेख उवैस गुलबर्गा वार्ड नंबर 29 यदुल्ला कॉलोनी से बिलोंग करते हैं और ये जमीनी सतह पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। इस मौके पर शेख महबूब के साथ यदुल्ला कॉलोनी से कई नौजवान और बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इस जॉइनिंग प्रोग्राम में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, यूथ लीडर फराजुल इस्लाम, कुला चेयरमैन मजहर आलम खान, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान, अहमदुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, वाहिद अली फातेखानी, एडवोकेट वहाज बाबा, एक्स मेयर एंड कॉर्पोरेटर सैयद अहमद, कॉर्पोरेटर अजमल गोला, कॉर्पोरेटर गौस मत्तेमूर, कॉर्पोरेटर रियाज भट्ट को, कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार, अजहर कॉर्पोरेटर और दीगर कई लोग यहाँ मौजूद थे। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharae PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharae PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharae BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharae Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. My Sheikh Mehboob, Ward number 23. आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। मैं था जेडीएस पार्टी में काफ़ी वक्त से, था करीब करीब 15 साल से पार्टी में था। मैं आज तक कोई दूसरी पार्टी में नहीं गया, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है ना, मैं ये सेकेंड पार्टी अगर कोई ज्वाइन किया हूँ तो कांग्रेस पार्टी मेरी इतने लाइफ में। आज जो है ना, मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम कनीस फातिमा, जगदेव साहब, फराजुल इस्लाम साहब, वहाज बाबा साहब, मजहर आलम खान साहब, अहमद इस्लाम साहब, नईम खान साहब और सब दीगर हमारे इंस्टीट्यूशन का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को पार्टी में मौका दिया है। मैं पार्टी में जो है ना ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को इस पार्टी में लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो नईम खान साहब का है। उनकी कोशिश बहुत है। और मेरा दोस्त है आदिल अंसारी, जो मेरा चाइल्डहुड क्लासमेट है, उसने भी मेरे को जो है ना एक डेढ़ महीने से माइंड बना रहा था मेरा, उसकी भी बहुत बड़ी कोशिश है और नईम खान साहब की सबसे ज़्यादा कोशिश है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे जो भी मुझे काम दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, इंशाल्लाह मैं भरपूर जो है ना मेहनत करके ईमानदारी से जो है ना उस काम को अंजाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ जो है ना पार्टी से, जैसा कि खास करके जनता दल से और MIM से और हमारे बीजेपी से, तमाम पार्टियों से जो है ना, जो लोग जो पार्टी से, कई लोग तो जो है ना पार्टी में जो है ना छोड़ कर गए से भी थे और तकरीबन लोग सालों से, जैसा कि हमारे शेख महबूब साहब है, 15 साल से जो है ना जनता दल पार्टी को एक सेकुलर पार्टी समझकर 15 साल से एक पार्टी की खिदमत की, लेकिन वो एक पार्टी जो सेकुलर अपने आप को कहती है, वो पार्टी बीजेपी फिरका परस्त पार्टी से मिलने से आज सबसे बड़ा मकसद गुलबर्ग में इत्तेहाद रखने के लिए, हमरुद्दलाम साहब का इत्तेहाद रखने के लिए, कनीस फातिमा साहिबा का इत्तेहाद रखने के लिए, ये फिरका परस्त कुमार स्वामी जो डायरेक्ट होना जाके जो है ना जो मुसलमानों से माइनॉरिटी से नाराज होकर जाकर बीजेपी से मिला, सबसे बड़ी वो नाराजगी रखते हुए तमाम पार्टी के लोग जो है ना जनता दल के आकर जो है ना मैडम कनीस फातिमा के नेतृत्व में जो है ना ज्वाइन हुए हैं। तो मैं आज तमाम मेरे पार्टी के वर्कर, जिम्मेदार और आज ज्वाइन होने वालों को और गुलबर्गा के अवाम को और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो अवाम को, हिंदू मुस्लिम दलित तमाम जो है ना कम्युनिटी को, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे अहमद भाई और कुछ लोग बोले, हमारे अजीम भी बोले कि 82 इयर्स में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये एज में वो जो मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ये उम्र में, हमको फख्र होना चाहिए कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलबर्ग से है। ऐसे शख्स जो आज हिंदुस्तान भर के
हिंदुस्तान भर में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बचाया है उस संविधान के ऊपर आज जो हमारा निशाना बनाया गया है उस संविधान को बचाने के लिए आज फिर एक बार ऐसे हालात आए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान फिर एक बार ये फिरकापरस्त पार्टी से आजादी चाहता है। वो कन्या शहरानावाज कहती है हिंदुस्तान 2014 में आजाद हुआ है। मैं बोलना चाहता हूं आज कि हिंदुस्तान फिर वही जाना ये बीजेपी फिरकापरस्त पार्टी के नाकाम और गलत वाले जैसे जो तमाम कम्युनिटी को परेशान करके रखा है। आज फिर पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि हमको फिर एक बार हिंदुस्तान में इस बीजेपी से दोबारा आजादी चाहता है। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि आज जितने लोग ज्वाइन हुए हैं और तमाम जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा सबसे बड़ा मकसद ये बना लेकर चल रहा है कि हम हमारे रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, तमाम घर घर को ये मैसेज देना है, ये बताना है कि हमारी एक वोट की अहमियत क्या है। जब तक हमें एक वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे हम काम नहीं कर सकते। जब तक हमें एक वोट को जो है नहीं समझेंगे, अपनी वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक जो हमारी बीजेपी फिरकापरस्त को हम नहीं हटा सकते। तो मैं चाहता हूं कि तमाम लोग इस बार अपने कारोबार बंद रखकर अगर कोई एडमिट भी है तो एक को बिठा कर एक आकर वोट डालें, अपने कारोबार बंद रखें, अपने तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर यहां से यहां के कैंडिडेट को आरके साहब को एक एक और चेयरमैन बताते हुए उनको भरपूर भीड़ से लाकर ये हिंदुस्तान भर में जो बीजेपी ने हमारे मोदी जो गुलबर्ग शहर में फर्स्ट यहाँ पे आकर प्रोग्राम करके जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आके प्रोग्राम करते हुए उनको बताना है तुम पहली ट्रिप में जिंदगी भर यहाँ बैठेंगे तो भी इंशाल्लाह गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट की आवाम पूरे सेकुलर आवाम पूरे एक होकर तमाम कम्युनिटी मिलकर आरके साहब को यहाँ से भरपूर लीड से लाखों के तैयार में दौरान को जिताएंगे इंशाल्लाह। मैं तमाम गुलबर्गे की जो है ना आवाम से खास करके आवाम से जो है ना अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि अपने वोट की अहमियत को समझिए, वरना जो है ना किसी को लोन में मत दीजिए। ये बीजेपी को गली देना, बीजेपी को लोन देना छोड़ दीजिए। अगर आप अपने वोट अगर एक सही सेकुलर पार्टी को सही सेकुलर लीडर को जब तक आप डालेंगे नहीं, जब तक ये जो अलग फिरकापरस्त पार्टी हिंदुस्तान से जाने वाली नहीं है। हम अपने वोट का अहमियत को समझना है और जो है वोट कराना है हमारे को रात दिन मेहनत करना है। ये एक महीना हमारे को मेहनत करके आरके साहब को बहुत दिन से जिताना है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, चार लोगों में, दो लोगों में, एक लोगों में भी बैठे तो ये बात बताना जरूरी है कि हमारे वोट की अहमियत क्या है। हमारे एक वोट से पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत से बदल सकती है। तो हमारी वोट की अहमियत को समझो और तमाम लोगों को कन्विंस करो कि हमको जो है ना यहाँ पे एक एक वोट की अहमियत है। आज ये फिरका परस्त बीजेपी को उखाड़ कर देखना है तो हमको घर से निकलना है। धूप रहो, छाव रहो, बारिश रहो, चाहे क्या भी हालात हो, कांग्रेस पार्टी जो है ना आने के बाद तमाम हमारे मसाइल को तमाम कम्युनिटी के जो है ना आवाम को जो है ना कम्युनिटी को जो है ना तमाम कम्युनिटी के जो है ना लोगों के लिए जो है ना कांग्रेस पार्टी करने वाली है। हर काम को, हर मसले को, हर मसाइल को करने वाली है। जज्बाती लोग जज्बाती बातें आकर करते हैं, वो लोगों के जज्बाती बातों में मत जाइए। आप जो है ना जो भी है संजीदगी से आप पार्टी का काम करिए। और मैं तमाम जो है ना हमारे आज जितने भी लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए हैं उनका तमाम जो है ना पार्टी में वेलकम करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अपील भी करता हूँ कि यहाँ से आप अपनी जिम्मेदारी से जो है ना काम करके यहाँ के आरके साहब को जो है ना कामयाब उनसे मेरा एक ओपिनियन है या बड़ा भाई इज लाइक सदा सके अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार-बार नहीं आती है और जब अपॉर्चुनिटी आती है उसका मजबूत फायदा उठाइए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस मुकाम पे
इतने सैक्रिफाइसेस करके एआईसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, मैं सब में बड़ा मुकाम, सब में बड़ी सैक्रिफाइस, उनकी ईमानदारी थी पार्टी की तरफ, उनकी लॉयल्टी थी पार्टी की तरफ, उनकी मजबूती की उनके सेक्युलर प्रिंसिपल की तरफ, ये लॉयल्टी उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है। आज एमएलए मैडम स्वाति मलिक ने आपको कोई मौका दिया है, आपने एक फैसला किया है, तो एक फैसले पे मजबूत रहिए, करते रहिए और रिजल्ट देने वाला इंशाल्लाह अल्लाह है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.